बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप जो है वो हाइपर सेंसिटिविटीज़ पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी एंड कम्प्लीमेंट सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एंड डेट इज एसोसिएटेड विद द वास्कुलाइटिस एंड द सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस। मोस्टली IgG एक्टिवेट करता है कम्प्लीमेंट सिस्टम को विच अट्रैक्ट्स द न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, and the enzymes then release from the neutrophils cause the endothelial damage of the cells and the basement membrane, ठीक है। so यहाँ पर अब आ जाता है कि क्या बन रहा है, एक आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो कम्प्लीमेंट सिस्टम यहाँ पर भी एक्टिवेट हो रहा है और टाइप टू में भी एक्टिवेट हो रहा था। सो पॉइंट ये है कि टाइप टू और टाइप थ्री में फिर डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो मैं आपको ये बता दूं कि टाइप थ्री में जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है उसकी जो एक्टिवेशन है इज मोर फास्टर होती है या स्ट्रॉन्गर होती है इन टाइप थ्री में देन इन टाइप टू, टाइप टू की निस्बत, ठीक है। सो सबसे पहला डिफरेंस तो यही, साथ साथ मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं उसकी एग्जाम्पल। सबसे पहले इसके अलावा तो इसके एग्जाम्पल्स में भी डिफरेंस है। इसमें आ जाता है पोलीआर्थराइटिस न्यूड्रोजा, और इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं आपके पास हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन या कोई भी एंटीजन, फॉर एग्जांपल आपके पास पेनिसिलियन का, जो आपके पास अक्सर आप लोग पढ़ते हो पेनिसिलियन एंड हाइपर सेंसिटिविटी है। तो पेनिसिलियन हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो किस पाथवे के जरिए, मतलब कौन से टाइप के जरिए जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, पेनिसिलियन कर रहा है, वो कर रहा है टाइप थ्री के जरिए। अब टाइप ऑफ द वास्कुलाइटिस, ठीक है ना, ये क्या है, पोलीआर्थराइटिस नोड्यूजा क्या है, टाइप ऑफ वास्कुलाइटिस, यानी कि वास्कुलाइटिस आ जाता है जो वास्कुलर मेम्ब्रेन है, और आइटस आ जाती है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डेंजरस की भी डिजीज है। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल कोई इन्फेक्शन हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, बाद में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गई। फोर्थ आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो दीज आर द बिग डिजीजेस। वहां पर हम लोगों ने रूमेटिक फीवर का पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने गुडमैन पास्चर पढ़ा था, गुड पास्चर सिंड्रोम, सॉरी गुड पास्चर सिंड्रोम दैट अफेक्ट्स द लंग्स एंड किडनी, ठीक है। और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं पोली पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है और एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट जो है वो फॉर्म करती है या ऑलरेडी फॉर्मड है तो वो बाइंड करती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ये इसमें क्या होता है, वो ट्रैवल करता है इन द ब्लड। कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रैवल करता है ब्लड में क्या कहाँ पर जाके फंसता है, जहाँ पर छोटी कैपिलरीज, जहाँ पर तंग कैपिलरीज हैं, खासतौर पर जैसे किडनी की कैपिलरीज या जॉइंट की कैपिलरीज, ठीक है ना, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं इसलिए उनकी कैपिलरी साइज छोटा होता है, ठीक है, वहाँ पर जाके ये डिपॉजिट हो जाती है। जब वो वहाँ पर डिपॉजिट होती है ना तो क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स जब वहां पर फॉर्मड होता है ना तो वो क्या करता है, कंप्लीट करता है कंप्लीमेंट एक्टिवेशन की तरफ, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एंटीबॉडीज जो और ये एंटीजन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, लीड करता है कंप्लीमेंट एक्टिवेशन सबसे पहले होती है, जो कि अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स आते हैं और रिलीज करते हैं एंजाइम्स, जो जितने भी विसिनिटी में जितने भी सेल्स होते हैं उनके एंडोथेलियल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, मतलब सिर्फ इधर नहीं बल्कि वो एंजाइम्स जो रिलीज करेगा। सो एंजाइम का काम है जो है वो डैमेज करना, ठीक है ना, मतलब जो न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स आर्मी है, अब आर्मी जो वेपन्स यूज करती है आपको पता है उसका काम जो है फाइट करना है, ठीक है। सो क्या होता है कि आपके कॉज डैमेज टू द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये खराब होना शुरू हो जाती है, विच रिजल्ट इन द लीकेज, ठीक है ना, लीकेज होना शुरू हो जाएगा। जब ये होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, तो सारा कुछ जो है वो इन्फ्लेमेशन लीड स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसके सिम्टम्स में देखें तो ये ट्राइड है, फीवर, यूट्रिकेरिया एंड आर्थ्रेल्जिया, ठीक है। आप लोगों ने इसको याद रखने के लिए UAE याद रखना है, UAE, यू गो टू द UAE एंड फील टायर्ड एंड ड्यू टू द वेदर चेंज You got fever, ठीक है, go to the UAE and feel tired and due to the weather change you got the fever and take a medication which causes the urticaria, ठीक है ना। सो ये एक आपके पास एक निमोनिक है जो इसके जरिए आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा also प्रोटीन यूरिन, यानी कि प्रोटीन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं इन द यूरिन, क्योंकि डैमेज जो भी होती है जैसे किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, अगर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएंगी तो फिर क्या होगा कि वो
बड़े मॉलिक्यूल्स भी निकलना शुरू हो जाएंगे, जैसे प्रोटीन इज अ बिग मॉलिक्यूल, तो वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जैसे है लिम्फेडिनोपैथी आ जैसा हो सकती है, बट इट अगर आफ्टर 1 to 2 weeks, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसकी एग्जाम्पल्स, हम लोग देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं आपके पास, वो तो हमने देखी है, लेकिन ये किस तरह से इसके जो रिएक्शंस इसके आ जाते हैं, एक आ जाता है सीरम मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हैं इसको, कि किस किस तरह मैनिफेस्टेशन होती है। सीरम सिकनेस रिएक्शन एंड आर्थरस रिएक्शन। सीरम सिकनेस रिएक्शन में कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है विच लीड टू द इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। इट इज एसोसिएटेड विद द सम ड्रग्स, ठीक है, जैसे हेप्टन्स आ जाता है, जैसे पेनिसिलियन आ जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन में अगर हम लोग देखें तो हेपेटाइटिस बी आ जाता है। फिर थर्ड आ जाता है एंटी वेनम, यानी कि फॉर द स्नेक वेनम के लिए लगाया जाता है एंटी वेनम, उसकी भी एग्जाम्पल, उसकी वजह से भी बाजू का लोगों को सीरम सिकनेस रिएक्शन हो जाता है। इसकी मैनिफेस्टेशन, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, फीवर, इचिंग, रैशेस, ज्वाइंट पेन एंड स्वेलन लिम्फ नोड, ठीक है, 1 to 2 weeks आफ्टर द एक्सपोजर और द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद। ये जो सीरम सिकनेस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, 1 to 2 weeks इसको लग जाते हैं मैनिफेस्टेशन में। और इसके सिम्टम्स आप लोगों ने देख लिए कि फीवर होना, इचिंग, रैशेज, ठीक है ना, ज्वाइंट पेन होना शुरू हो जाना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन कम्स द आर्थरस रिएक्शन। आर्थरस रिएक्शन होता क्या है, ये क्यूटेनेशियस वास्कुलाइटिस है, ठीक है ना, यानी कि आपके क्यूटेनेशियस लेयर में जो है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पर इसका रिएक्शन होता है। लोकल सब एक्यूट इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, अपेयर 4 to 10 hours आफ्टर द इंजेक्शन, यानी कि जैसे ही इंजेक्शन, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके वैक्सीन इन्वॉल्व हैं, वैक्सीन हो गई, इंसुलिन हो गई, जो भी आप लोग सब कट या इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से जो रिएक्शन होता है, समटाइम लोगों को वैक्सीन से रिएक्शन हो जाता है या इंसुलिन से रिएक्शन हो जाता है, तो वो जो रिएक्शंस होते हैं वो किस वजह से हो रहे होते हैं, क्या उनका पाथवे होता है, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी होता है, और मैनिफेस्टेशन किस तरह से हो रही होती है, आर्थरस रिएक्शन की मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ द प्री सेंसिटाइज इंडिविजुअल हैविंग द IgG, ठीक है ना, ये प्री सेंसिटाइज है कि इसमें IgG है, ठीक है ना, तो लीड करता है इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इसमें वैक्सीन जैसे आपके पास टेटनस वैक्सीन, डिप्थेरिया आ जाती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मैंने आपको बताया आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन भी बाजू का, ये तो इन्फेक्शन है ना, ये वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन भी जो है वो उसकी वीकेंड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म ही होती है, जो असल मॉलिक्यूल होता है, या असल मॉलिक्यूल कह रही हूँ, असल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके फार्मर्स लंग्स, आपकी एमसीक्यूज पॉइंट को सारे को कवर करने के लिए मैंने सारी एग्जांपल्स डाली हैं, ताकि एमसीक्यूज भी कवर हो और आपका रिटर्न में भी जो है आपका पास एक मटेरियल हो जो आप लोग लिख सको, ठीक है ना, प्रॉफ एग्जाम के लिए। फार्मर लंग्स आ जाती हैं विच इज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ द फंजाई एंड द बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा जाती है ह्यूमिडिफायर लंग्स। ह्यूमिडिफायर लंग्स किस वजह से होते हैं, कि आपका एक होती है ह्यूमिडिफायर, आपका एक मशीन होती है, आपके रूम में होती है या आपके इन ऑफिस वगैरह में मौजूद होती है, जो कि इन्वायरमेंट की ड्राइनेस को जो है वो कम करने के लिए होती है, कि ऐड करता है मॉइस्चर टू द इन्वायरमेंट, ठीक है ना, टू प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ द बॉडी स्किन, ठीक है ना, कि आपके मॉइस्चर, जब आपके इन्वायरमेंट में मॉइस्चर रहता है तो आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होती, ऐसा ही होता है ना। सो ह्यूमिडिफायर कुछ बहुत ड्राई इन्वायरमेंट्स में जो है ये रखे जाते हैं, जिसकी वजह से समटाइम क्या होता है कि इसमें स्पोर्स बोर्न हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बैक्टीरियल स्पोर्स जो है यहाँ पर इसमें पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नमी होती है वहाँ पर पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनहेलेशन, अगर वो स्पोर्स इनहेल कर लिए जाएँ तो फिर क्या होता है, मसला हो जाता है, प्रॉब्लम होती है, विच लीड टू द हाइपर सेंसिटिविटी। स्पोर्स बोर्न इन द एरोसोल माइक्रो ड्रॉप्स फ्रॉम द अल्ट्रासोनिफाइड ह्यूमिडिफायर, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है, अच्छा वैसे ही ह्यूमिडिफायर जो है ये फ्लू और कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को भी ट्रीट करने में ये यूज़ होता है। ऑनसेट जो है, अगर डिपेंड करता है सिस्टेमिक है या लोकल है रिएक्शन, अगर सिस्टेमिक रिएक्शन है तो उसका एक्सपोजर जो है, फर्स्ट एक्सपोजर 1 to 2 weeks लेगा, सेकंड एक्सपोजर जो है वो जस्ट 1 day लेगा, लेकिन अगर लोकल है तो वो 6 to 8 hours, जैसे मैंने आपको बताया 4 to 10 hours या 6 to 8 hours के अंदर जो है वो अपने आप को मैनिफेस्टेशन जो है वो उसकी मैनिफेस्टेशन करेगा अपने आप की। तो ये थी हमारे पास टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। नाउ कम्स टू वर्ड द टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन।